और राय गाइस फाइनली यार फाइनली अपनी बाइक इतने दिनों बाद हालत देखो बेचारी की। और ये अपनी इंटरसेप्टर और ये अपनी R5 क्या लग रही है भाई अभी यार बढ़िया दिख रही होगी देखो हालत देखो बेचारी। आई फील सॉरी बट अब बस निकालते हैं यार और चलते हैं। बाकी रात हो गई है तो मोटो लोग इतना बढ़िया हो नहीं पाएगा बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो लेट्स सी हवा भी कम है यार हवा भी डलवाएंगे पेट्रोल भी डलवाएंगे चलो निकालते हैं। ऑल राइट सो एक बार तो सबसे पहले इसको इसी कंडीशन में स्टार्ट करते हैं। और बैटरी तो सही होगी क्योंकि आखिरी बार जब खड़ी चलाई थी जब बैटरी बदलवाई थी इसकी। अरे न्यूट्रल नहीं है न्यूट्रल होगी पर बैटरी फील है फील हो रही है ग्लो हो रही है बट होगी। मैंने काफ़ी साफ करने की कोशिश की बट स्टिल काफ़ी मिट्टी है इस पर तो वो थोड़ा इग्नोर करना थोड़े दिन में इसकी बढ़िया सी वॉशिंग करवा दूंगा कल तक। पर यार क्या ही ज़बरदस्त लग रही है मतलब सेक्सी भाई सेक्सी। इंडिकेटर भी टूटा वो भी लगवाना है कई काम है वैसे तो इसमें बट स्टिल आई वाज मिसिंग हर यार। अब इसका एक बढ़िया सा राइड लेते हैं अपना गुड़गांव तक और चलते हैं और बढ़िया सा बनाते हैं मोटो व्लॉग। ऑल राइट गाइस तो ये होता है जब आप बहुत महीनों बाद बाइक निकालते हो। अपनी बाइक में रखा था पंचर ये देखो अगर आपको दिख रहा हो तो इधर बहुत मोटा पंचर रखा था बहुत मोटा। कितनी है बाकी है 35 40 कर दो 40 भाई कैमरा देख के खुश हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा बाकी ये था पंचर और इतना मोटा पंचर था इसमें दो पंचर लगाने पड़े मतलब जो दो अपने होते हैं वो सील करने के लिए। और हवा करवा रहा हूँ मैं 40 क्योंकि पीछे वाले हवा में थोड़ी पीछे वाले टायर में थोड़ी दिक्कत है अपने आप हवा निकलती है उसकी साइड वॉलिंग ख़राब है और उसके अलावा आगे वाला टायर तो ठीक है आगे भी कर दो आगे। ओ भाई टायर तो अलग ही फील हो रहा है बहुत ज़्यादा मतलब शायद 40 ज़्यादा करवा दी यार 35 ही ठीक थी बहुत बहुत हार्ड हो गया टायर। हाँ चलो देखते हैं थोड़ी भगा के देखूँगा जब पता चलेगा। बाकी पीछे वाला टायर भी ना वैसे भी दिक्कत है पीछे वाला टायर काफ़ी ज़्यादा जो है गंजा हो रखा है मतलब हाँ अपने देसी भाषा में गंजा ही बोलते हैं मतलब टायर ख़त्म हो रखा है यार बेसिकली। इसको बढ़िया भगा के देखते हैं चलो बहुत अजीब लग रहा है यार इतने टाइम बाद चला के बट मज़ा भी उतना ही आ रहा है मतलब एक अलग ही फील मिल रही है भाई वो छोटी सी बाइक और छोटी सी मतलब पॉकेट रॉकेट मानता हूँ मैं इस बाइक को छोटी सी प्यारी सी हल्की सी और मस्त कहीं से भी निकल जाती है कहीं से भी कट मार दो इसको बढ़िया एकदम। अभी अगर बाई चांस कोई सुपर बाइक वाला मेरे को देख रहा होगा ना वहाँ कसम बहुत असर होगा पर अपने लिए यही सुपर बाइक है भाई अभी तक जब तक हमारी असली सुपर बाइक नहीं आती। और भाई देखो असली सुपर बाइक चाहे आ भी जाए बट अपने लिए ये बाइक हमेशा सुपर बाइक रहेगी। तो भाई मैं हूँ अभी भयानक वाले दिल्ली के जाम में और मतलब जो तो मैं ज़बरदस्त फ्लोट करता हुआ आ रहा हूँ ना मतलब अभी मैं जस्ट कैमरा ऑन नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे को यह था कैमरा ऑन करते एकदम से कुछ आगे हट जाएगा मतलब बहुत बहुत लंबा जाम है पीछे तक और जो तो मैं फ्लोट करता हुआ हूँ मतलब हल्की हल्की जगह मिल गई और फटाफट से निकालता गया बहुत आगे आ चुका हूँ जाम में ऐसे कर करके। पर अब यहाँ पे अटका था हल्का सा तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया फटफट मैं कहा क्या तो मतलब मज़ा आया ये होते भाई बाइक के पर्क्स मतलब अटकते ही नहीं हो भाई आप मतलब अटकते तो ऑब्वियसली अब जैसे यहाँ भी अटक गया मैं बट मज़ा ही अलग है भाई इसका। अब जैसे अरे शिट ये मेरे से गलती होगी मैप देखने में अब मेरे को नीचे से जाना है और मैं ऊपर राइट साइड हो रखा था। अच्छा टूटा हुआ है क्या रास्ता ही नहीं जाऊँगा कैसे ऊपर से भाई साहब R15 चलाने का मतलब सेम वही पुराना मज़ा यार ये मज़ा मेरे को बहुत पसंद था R15 का मतलब बहुत ज़बरदस्त स्टेबल बाइक है ये और मस्त भागती यार मस्त भागती सच में बड़ा मिस कर रहा था बस इस मज़े के साथ एक छोटा डर है
टायर मेरे को बार बार डरा रहा है यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ टायर के बारे में क्योंकि बार बार मेरे को डरा रहा है टायर। जितनी बार ये भगा रहा हूँ ना ग्रिप मेरे को फील हो रही है बहुत बहुत कम हो रखी है। ये इतना टाइम दिखा रहे हैं, 45 मिनट दिखा रहा है, इतनी देर तो मेरे को कहीं ना लगने की। जब मैं घर से निकला था ये बता रहा था लगभग 10 बजे पहुँचूंगा और अभी 9:40 कर दिया इसने अभी से। अभी मतलब अभी तो मैं निकला ही हूँ घर से, थोड़ी देर दूर आया हूँ और इतने से मैं इसने 15 मिनट कम कर दिए, सॉरी 20 मिनट कम कर दिए और अभी आगे आगे तो और कम करेगा। एक बाइक मेरी रोहतक खड़ी है, एक बाइक मेरी दिल्ली थी अपनी ये वाली, तो मेरे को बड़ी बाइक बहुत मिस करता था यार मैं अपनी बाइकों को। बट आज मतलब ऐसा लग रहा है कि सारी कमी सी पूरी हो रही है, मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है। मतलब भाई साहब ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं यहाँ से निकलता हूँ ना, मतलब एक वाइब भी आ जाती है भाई, क्योंकि बहुत होटल्स हैं ये सारे, जितने भी ये सारे होटल्स हैं और इतनी ज़्यादा लाइटिंग है ना यहाँ पे, एक बहुत बढ़िया मतलब वाइब आती है। पता नहीं गोप्रो में भी बहुत अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि गोप्रो यार नाइट में अच्छा नहीं है मुझे पता है, पर ये इतनी होटल्स है ना, इतनी लाइटिंग है और मतलब रोड इतना चौड़ा स्मूथ, तो मस्त ऐसे फीलिंग्स आ जाती है भाई यहाँ पे ना, कुछ ऐसे कहीं बढ़िया बाहर ड्राइव कर रहे जैसे। क्या हाल चाल है भाई सबके? मतलब मेरे को दोबारा मैं अपनी बाइक को इतने दिन बाद चला रहा हूँ ना, मेरे को मैं लग रहा है दो वीडियो बन जाती राइडिंग माया और ड्राइव आफ्टर दिस मच टाइम, और उसके बाद एक वीडियो और बन जाती। एक्चुअली जो लास्ट शॉट आपने देखा उसके बाद मैं अपना मतलब घर चला गया था और कुछ हो गया था जिससे कि मैं वीडियो उस टाइम पर अपलोड कर नहीं पाया। एक्चुअली मेरे पास लैपटॉप नहीं था, फिर एक बार लैपटॉप था तो हार्ड डिस्क नहीं थी यू नो मतलब, और उसके बाद फिर बिजी हो गया था मैं कहीं इधर उधर, एंड फिर अब मैं आ चुका हूँ वापस रोहतक फाइनली अगेन अपना बैक टू होम। और एंड मतलब स्टिल आज भी वही सेम फीलिंग आती है यार इस बाइक से, पता नहीं मैं इसको इतना कम क्यों चलाता हूँ। एक बार वीडियो बनाने के लिए निकाली थी, उसके बाद फिर खड़ी होगी बहुत दिन के लिए, फिर आज निकाली इतने दिन बाद, बट कोई नहीं यार इसको ना मतलब कुछ सोचा है मैंने अपनी बाइक के लिए, अपनी दोनों बाइक्स के लिए एंड अपने कुछ चैनल के लिए भी, तो करेंगे एग्जीक्यूट। और बाकी बस इस वीडियो को तो मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ यार। सो आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया, अगर यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और हाँ मज़ा आ गया भाई दोबारा से इस बाइक को राइड करने में, इस बाइक का मतलब मज़ा ही अलग है, पता नहीं क्या फीलिंग है इस बाइक की, बट हाँ ये बाइक जान है भाई और जान रहेगी ये बाइक हमेशा। चलो बाय बाय।